हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। तो केमिस्ट्री में जो हम लोग एक रिएक्शंस की सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक न्यू टॉपिक की स्टडी करेंगे। मीन एक नई रिएक्शन को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फाइनली अगर यहाँ पर हम देखें तो आज का जो हम लोग का विषय है, कौन सी रिएक्शन है, आज हम लोग गाटरमान रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो गाटरमान रिएक्शन क्या होती है, तो अगर फाइनली इसमें हम बात करें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को बोला जाता है गाटरमान अभिक्रिया। तो चलिए इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखूंगा, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया। तो ये गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे हम एग्जाम्पल। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन देखूं यहां पर तो क्या हो जाएगी, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या HCl या HBr के साथ कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, गाटरमान अभिक्रिया। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम HCl या HBr के साथ किसके प्रेजेंस में लेते हैं, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। मीन हमारा जो कैटलिस्ट का काम करता है वो क्या होता है, कॉपर होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो C6H5N2Cl प्लस हम यहाँ पर क्या करते हैं, HCl ले लेते हैं। HCl किसकी प्रेजेंस में, कॉपर उत्प्रेरक की प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। ये आपका गर्म करने का सिंबल होता है। तो यहाँ हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हो जाएगा H और Cl आपस में क्या बना लेगा, HCl, और यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन N2 आपका बाहर हो जाएगा और क्लोरीन इससे मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C6H5Cl प्लस N2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, HCl। तो ये आपका क्या है, ये इतना, ये आपका है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम एजोनियम क्लोराइड और आपका क्या है, HCl है, और ये आपका क्या है, क्लोरो बेंजीन। ये आपका क्या है, क्लोरो बेंजीन, और ये N2, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको और अच्छे से अगर समझने का मैं प्रयास करूं तो यहाँ पर इसका हम स्ट्रक्चर लेंगे। मीन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर लेके समझेंगे। तो हमको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और बेंजीन डाई एजोनियम जो है और अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग डेफिनेशन को नोट कर लीजिए ताकि आपको रिविजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो इसका स्ट्रक्चर मैं लूंगा यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, प्लस मैंने क्या किया, HCl लिया। तो किसके प्रेजेंस में, सेम कैटलिस्ट हमारा होगा कॉपर, और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर हमको जो संरचना प्राप्त होगी किसकी प्राप्त होगी, क्लोरो बेंजीन की प्राप्त हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा Cl, और ये क्या हो जाएगा हमारा N2 प्लस HCl। सेम रिएक्शन है बट मैंने इसको किसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया, स्ट्रक्चर से। ये आपका क्लोरो बेंजीन है और ये आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और ये आपका क्या है, HCl, और ये किसका सिंबल होता है, गर्म करने का, और यहाँ पर जो हमने कैटलिस्ट लिया है वो क्या लिया है, कॉपर। मीन कॉपर क्या होता है, यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन उसमें भाग नहीं लेते। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, इसकी
अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का उत्प्रेरक लिए हैं। उत्प्रेरक भी कई प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऐसे अगर धनात्मक लेते हैं तो बढ़ाता है, ऋणात्मक लेते हैं तो घटाता है, और उत्प्रेरक विष भी होता है जो अभिक्रिया की दर को बिल्कुल ख़त्म सी कर देता है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम कैटेलिस्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको दे देंगे इसके विषय में, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया है तो। किसके बारे में? मैं कैटलिस्ट की बात कर रहा हूँ, मीन उत्प्रेरक की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं और अच्छे से, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मुझे क्लास चाहिए, तो निश्चित तौर पर इसकी क्लास मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए अगर आगे हम देखें, यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं आगे लूँ तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इस तरीके से अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज इस बार हमने लिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और इसमें क्या किया मैंने, इस बार इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराया। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा यहाँ जो हमको प्राप्त होगा, ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, क्या बनेगा हमको यहाँ पर मिलेगा, ब्रोमो बेंजीन। ये हो जाएगा Br+N2+HCl, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, और ये आपका क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कहने का मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, मीन गर्म करते हैं, तो हमको क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की सिचुएशन हमको मिलेगा जब HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, ब्रोमोबेंजीन कब मिलेगा हमको, जब हम HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, तो तब तक आप लोग रिविजन कीजिए इसका, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए रिएक्शन के साथ और एक नए जोश जुनून के साथ। थैंक यू दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।